नमस्कार दोस्तों 12 मार्च 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है तो भैया बीजेपी कैसे यूपी में जीत गई ओवरऑल उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में जीतने की क्या वजह हो सकती है बीजेपी की गोवा में उतनी बंपर मेजोरिटी से जीती नहीं और पंजाब में जीत गई आप तो इसके कुछ रीजन के बारे में बात की जा रही है वेलफेयर जो पॉलिसी चलाई गई है रीजनल फैक्टर्स है कम्युनल पोलराइजेशन की भी बात की गई है ये जो न्यूज है इसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे ये न्यूज एक्चुअली में एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्टडी पे बेस्ड है इसलिए यहाँ पे बात करेंगे ड्रोन इंडस्ट्रीज के लिए 120 करोड़ रुपए लोकेट किए गए हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर इसके बारे में बात करेंगे रशिया इंडिया को और तेल बेचेगा इसके बारे में बात करेंगे इंडिया चाइना पंद्रवें राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स करेंगे लद्दाख क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए इसके बारे में बात करेंगे फिर बाइडेन ने अनाउंस किया है कि कोलंबिया को हम मेजर नॉन नेटो अलाई बनाएंगे देखिए यूएस की आर्म्ड फोर्सेस कुछ ऐसी कंट्रीज के साथ भी रिलेशन रखती हैं जो कि नाटो की मेंबर नहीं है लेकिन तब भी उनको एक कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ मिलिट्री सपोर्ट यूएस की तरफ से मिलता है तो इस न्यूज के बारे में बात करेंगे फिर कीव मॉस्को डायलॉग ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी ये किस रिस्पेक्ट में बात कर रहा है इसको समझने की कोशिश करेंगे और इंडिया कैनेडा के रिलेशंस के रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे बढ़ने से पहले आज का वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं क्वांडरी क्या मतलब होता है क्वांडरी का मतलब असमंजस दुविधा कठिन स्थिति अ स्टेट ऑफ नॉट बींग एबल टू डिसाइड वॉट टू डू अ डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब आप एक ऐसी में फंसे हो कि आप क्या करो इस बारे में आप कंफ्यूज हो इस तरफ जाओ या उस तरफ जाओ फॉर एक्साम्पल इन सेंटेंस इसका यूजेज कैसे राहुल इज इन क्वांडरी अबाउट वेदर और नॉट ही शुड कीप द मनी ही फाउंड इन द पार्क मतलब राहुल किसी पार्क में जा रहा होगा कुछ पैसे मिल गए राहुल को समझ में नहीं आ रहा कि पैसे अपने पास रखू या फिर वापस कर दू जिसके हैं या फिर जाके पुलिस को रिपोर्ट कर दू तो ही इज इन कंफ्यूजन एक प्रकार के मॉरल डायनामा में हालांकि क्वांडरी का मतलब हमेशा मॉरल या एथिकल डायनामा नहीं होता किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन को या डिसीजन ना ले पाने को या स्टेट ऑफ माइंड फ्लक्स में चल रहा है इसको आप क्वांड्री बोल सकते हो चलिए शुरुआत करते हैं पहली न्यूज से से वेलफेयर रीजनल फैक्टर्स प्रोवाइडेड बैलास्ट टू बीजेपी आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए पे फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए दोनों ही चीजों का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी तो भाई केंद्र की सरकार की अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है यूपी में मोदी जी के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उत्तर प्रदेश में बहुत सारी वेलफेयर पॉलिट ये पॉलिसीज भी लागू की गई हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ हद तक रिलीजियस पोलराइजेशन ने भी बीजेपी की विक्ट्री को एंश्योर किया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड गोवा में देखिए उत्तर प्रदेश का तो मैं हूं तो मुझे वहां की पॉलिटिक्स पता है ये जो समाजवादी पार्टी है ठीक है देखिए पहले क्या था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी बिल्कुल डोमिनेंट थी आपके उत्तर प्रदेश के अंदर शुरुआत में तो कांग्रेस का राज था बाद में एसपी बी ये दोनों पार्टी उठी कहीं ना कहीं इन पार्टीज की जो पॉलिटिक्स थी वो कास्ट बेस्ड थी ठीक है दलित सारे बीएसपी को सपोर्ट करते थे यादव कम्युनिटी के सब लोग सपा को सपोर्ट करते थे इस प्रकार की चीजें चलती थी फिर बीजेपी यहां पे पावर में आ गई अभी के लिए कुछ इस प्रकार से बोला जाता है कि अगर सपा पावर में आई तो फिर वो यादव सपोर्ट मुस्लिम्स को सपोर्ट करेगी मुस्लिम को सपोर्ट करेगी ठीक है हाई कास्ट के लोगों को इग्नोर कर देगी तो इस प्रकार की पॉलिटिक्स को ही आप कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हो या फिर पॉलिटिकल ये ये पोलराइजेशन ठीक है ना कम्युनल पोलराइजेशन या रिलीजियस पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स कहते हैं तो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज लोक नीति इसके पोस्ट पोल सर्वे ने ये रीजंस बताए हैं बीजेपी के जीतने के लिए प्लस एक और रीजन है बाईपोलैरिटी ऑफ कंपटीशन बाईपोलैरिटी ऑफ कंपटीशन का मतलब क्या हो गया कि भाई दो ही मेन पोल्स हैं उत्तराखंड में केवल आपका कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है ठीक है पंजाब की तो खैर बात ही छोड़ दो तो, पंजाब में तो जो स्टेट गवर्नमेंट थी उससे तो दुखी थे ही ठीक है ना कितना बवाल हो रहा था स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस मतलब कांग्रेस की इंटरनल स्थिति ठीक नहीं अमरिंदर सिंह साहब छोड़ रहे हैं चरणजीत सिंह चानी बैठे हैं सिद्धू लगातार लड़ रहे हैं लोग सोच रहे कि भाई हमारे लिए काम कर रहे हो कि तुम अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हो दूसरी बात बीजेपी से पंजाब में लोग इसलिए नाराज थे ये फॉर्म बिल्स का चक्कर हुआ था ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार दोनों की पॉपुलरिटी गिरी हुई थी पंजाब में इसका फायदा मिल गया आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी वहां पे जीत गई उत्तराखंड में बीजेपी जीती है उत्तर प्रदेश में आपकी बीजेपी जीती है ओके फिर भाई पंजाब के अंदर क्या बताया जा रहा है कि कोविड नाइन रिलेटेड डेथ्स के लिए 50 से ज्यादा लोग राज्य की सरकार को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं एक तिहाई लोग यूपी में राज्य की सरकार को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और उत्तराखंड में और भी कम लोग राज्य की सरकार को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कोविड नाइनटीन रिलेटेड डेथ्स के लिए तो ये फैक्टर्स भी होते हैं अब ये फैक्टर्स एक स्टडी में करे गए स्टडी में ऑब्वियसली बात है एक छोटा सैंपल उठाया जाता है कम अमाउंट ऑफ लोग उठाए जाते हैं तो स्टडी हमेशा परफेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है हालांकि बीजेपी की जो जीत है यूपी उत्तराखंड गोवा में उसकी एक मेजर वजह यह है कि भाई भले ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है भले ही प्राइस हो रहा है कहीं ना कहीं उसके लिए कोविड भी है लेकिन कहीं कहीं ना कही वेलफेयर स्कीम्स चलाई गई सरकार के द्वारा कैश ट्रांसफर्स बढ़ाए गए सरकार के द्वारा तो यह सब कहीं ना कहीं कही बीजेपी के फेवर में गया है जीएस पेपर में न्यूज आपको काम आएगी नेक्स्ट न्यूज है इसको मैं कोशिश करूंगा एक अलग से वीडियो में डिस्कस करने में नेक्स्ट न्यूज है गवर्नमेंट इनवर्ट्स एप्लीकेशंस

ट्वेंटी परसेंट ऑफ द वैल्यू एडिशन करने के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा आप समझिए ट्वेंटी परसेंट ऑफ द वैल्यू एडिशन और आगे अगर आप देखोगे कि देर शुड बी वैल्यू एडिशन ऑफ फोर्टी परसेंट और नेट सोल ऑफ ड्रोन एंड ड्रोन कंपोनट क्या होता है कि ड्रोन को बनाने में बहुत सारे कंपोनेंट बनते हैं अब हर चीज तो हम इंडिया के अंदर बना नहीं सकते कुछ चीजें तो हम इंपोर्ट करेंगे ही करेंगे यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि 10 फरवरी 2022 को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है इंपोर्ट ऑफ फॉरेन फॉरेन इंडिया के अंदर इंपोर्ट बैन किया गया है हालांकि पूरी तरीके से बैन नहीं है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डिफेंस के लिए सिक्योरिटी पर्पेस के लिए आप भारत सरकार से एग्जेम्पन लेके एनओसी लेके ड्रोन इंपोर्ट कर सकते हैं आपके ऊपर रोक टोक नहीं है लेकिन जो जनरल केसेज में हम लोग बड़े तागाद में डीजीआई Mavic प्रो इन सब ड्रोन को इंपोर्ट कर रहे थे इंडिया के अंदर उसको गवर्नमेंट ने भी बैन किया और बैन करने की वजह यह है कि हम अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इको को स्ट्रांग करना चाहते हैं अब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी ड्रोन का हर कंपोनेंट हम खुद नहीं बना सकते तो कुछ कंपोनेंट्स इंडिया के अंदर इंपोर्ट होंगे मेन चीज यहां पे ये यह है कि कम से कम कुछ परसेंटेज वैल्यू एडिशन करना यहां पे जरूरी है जैसे सरकार क्या बोल रही है कि नेट सेल्स फॉर ड्रोन्स एंड ड्रोन कंपोनेंट में कम से कम 40 परसेंट वैल्यू एडिशन होना चाहिए पीएलआई स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए नेट सेल्स मतलब कि आपने जीएसटी नहीं जोड़ी है ड्रोन जब बन के मार्केट में बेकेगा तो उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगी बारह प्रतिशत जो भी है चेक कर लीजिएगा मोस्ट ऑफ अठारह ही होगी तो जब ड्रोन मार्केट में बिकेंगे उसके ऊपर जीएसटी जीएसटी लगेगी। जीश्टी से लगने से पहले जो दाम बिक रहा है ड्रोन वो हो एडिशन होना चाहिए। ना? मतलब कि आपने भले आपने इंपोर्ट किया उसके ऊपर इंडिया के अंदर कि कम से कम उस पूरे के पूरे बनावट में चालीस जो वैल्यू फाइनेंशियल वैल्यू वो इंडिया के अंदर जनरेट की गई तो इसी के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि जो भी इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर ड्रोन वगैरह बना रहे हैं वो क्या सच में ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग में कुछ प्रॉपर वैल्यू इनपुट दे रहे हैं ये चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है समझनी तो 40 परसेंट आपकी वैल्यू एडिशन होना चाहिए ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग में तो उन कंपनीज को यहां पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पीएलआई स्कीम के अंदर उनको बेनिफिट दिया जाएगा अभी के लिए अगले तीन सालों में बेनिफिट 120 करोड़ का होने वाला है और मोस्ट प्रॉब्लम आगे आने वाले समय में सरकार को अगर फायदा मिलता है अलग अलग पीएलआई सेक्टर से तो ये एलोकेशन बढ़ा दिया जाएगा 2026 तक ये एक्सपेक्टेड है कि पीएलआई के दम पे ड्रोन इंडस्ट्री इंडिया के अंदर पंद्रह करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी जो कि लमसम दो बिलियन डॉलर से थोड़ा ही कम है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है तो ये एक ऐसी स्कीम है दैट एम्स टू गिव कंपनीज इंसेंटिव ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स मैनुफैक्चर्ड इन डोमेस्टिक यूनिट्स तो भैया डोमेस्टिक यूनिट्स में जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं चाहे है उनको आप एक्सपोर्ट करो चाहे डोमेस्टिक मार्केट में बेचो अगर आपने एक मिनिमम क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट्स बनाए हैं और जो थोड़ी बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी है पी एल आई स्कीम के अंदर उनको फुलफिल किया है तो आपको कुछ कैश अमाउंट ऑफ मनी सरकार की तरफ से ऐसे ही दे दिया जाएगा यही पी एल आई स्कीम है एलआई स्कीम के दम पे जो भी इन्वेस्टर्स हैं चाहे वो डोमेस्टिक कंपनीज हो चाहे वो इंटरनेशनल कंपनीज हो वो ऑब्वियस बात है मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगी जो भी ड्रोन बनेगा एक मिनिमम क्वांटिटी आपको बनानी है चाहे ड्रोन्स में हो चाहे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हो अगर आप बना लेते हैं तो पी एल के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी इन्वेस्टमेंट आने से होगा क्या कि भाई आप ज्यादा नौकरियां वगैरह क्रिएट होंगी इंप्लायमेंट क्रिएट होगा वगैरह वगैरह सब अच्छी अच्छी बात है अप्रैल को लॉन्च किया गया था लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 2020 के एंड तक दस और सेक्टर्स में इंक्लूड किया गया इसको आत्मनिर्भर भारत कैंपेन को पी स्कीम आगे बढ़ाता है और ड्रोन मैनुफेक्चर के लिए भी पी स्कीम यहाँ पे ले आई गई है ग्यारह मार्च दो को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बोला कि भाई आइए आप एप्लीकेशन दीजिए ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर आप सारे टर्म्स एंड कंडीशन पूरा करते हो तो आपको एंड में पैसा यहां पे दिया जाएगा सबमिशन के लिए 31 मार्च 2022 को लास्ट डेट रखी गई है ठीक है भाई तो ये अभी के लिए ये न्यूज है जीएस पेपर टू गवर्नमेंट एंड इंटरवेंशन इश्यूज आउट ऑफ इंप्लीमेंटेशन में न्यूज काम आएगी फिर अगली न्यूज है रशिया ऑफर्स इन मोर ऑयल टू तो इंडिया क्योंकि रशिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज के सैक्शन लग गए हैं यूएस ने तो सीधे सीधे बोल दिया कि हम रशिया से कोई भी तेल नहीं मंगाएंगे और रशिया के लिए कि बहुत बड़ी बात है यूएस डेली सेवन लाख बैरल ऑफ ऑयल रशिया से इंपोर्ट करता है तो यूएस डेली सेवन लैक बैरल रशिया से इंपोर्ट कर रहा है रशिया को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है अगर यूएस के जो एक्सपोर्ट है वो बंद हो जाते हैं जो कि अभी के करे तो बंद हो गए और अगर यूरोप की बात करिए तो यूरोप पर डे 4.5 मिलियन 45 लाख बैरल्स इंपोर्ट करता है फ्रॉम रशिया और आगे आने वाले समय में इस यूक्रेन वॉर के चलते बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर ये प्रेशर आएगा फ्रॉम यूएस कि आप रशियन ऑयल इंपोर्ट को कम करो तो रशियन ऑयल इंपोर्ट को कम करने के चलते रशिया को नुकसान हो सकता है 2020 में रशिया ने पूरी दुनिया का 12 प्रतिशत तेल और पूरी दुनिया की 16 प्रतिशत वर्ल्ड की नेचुरल गैस प्रोड्यूस की थी और इनको बेच बेच के रशिया पैसा कमाता है रशिया के यही पैसा कमाने की कैपेबिलिटी यहां पर कॉम्प्रोमाइज हो सकती है इस बीच में रशिया ने इंडिया को ऑफर किया है कि भाई इंडिया रशिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ऑलरेडी रशिया इंडिया को एक बिलियन डॉलर का ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेच रहा है और रशिया सस्ता तेल दे रहा है इंडिया को और समझिए इंडिया ने अपने बजट में पचहत्तर डॉलर पर बैरल एक्ज्यूम किया है ऑयल का दाम अब ऑयल का दाम वन डॉलर पर बैरल चल रहा है तो अगर रशिया सस्ता तेल देगा तो रशिया से सस्ता तेल खरीदना इंडिया के फेवर में होगा क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर इंडिया तेल खरीदता है तो बहुत महंगा पड़ेगा अगर रशिया इंडिया को 100 डॉलर प्रति बैरल में भी तेल दे देता है तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी इंडिया के लिए तो इस रिस्पेक्ट में इंडिया के लिए रशिया के साथ एंगेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बट एक प्रॉब्लम है क्या है ना कि यूरोप और यूएस की कंपनीज और सरकारें रशिया के ऊपर डालना चाहती हैं प्रेशर तो इंडिया इस समय पर अगर रशिया के साथ इंगेज करता है तो कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर भी प्रेशर आएगा की में यूएस और यूरोप जैसी कंट्रीज कुछ लिमिटेड सेंशन हालांकि बहुत ज्यादा तो नहीं इंडिया के ऊपर लगाने की औकात है कुछ लिमिटेड सैक्शन इंडिया के ऊपर लगा सकती है क्योंकि ये कंट्रीज रशिया को प्रेशराइज कर रही है और इंडिया अगर रशिया से तेल खरीदने लगेगा तो रशिया के ऊपर प्रेशर रिलीव होगा जो कि इन कंट्रीकुलर यूरोपियन और यू, वेस्टर्न कंट्रीज के मोडस ऑपरेंडी से थोड़ा अलग हो जाएगा चाइना तो देखो खुले आम रशिया से तेल इंपोर्ट करने वाला ये बता है और इंडिया का जहां पे फायदा है इंडिया को भी वो करना चाहिए जो हमारे मिनिस्टर हैं निर्मला सीरामन जी ये ऑलरेडी बोल चुकी हैं कि रशिया ने एक ओपन ऑफर दिया है इंडिया को कि हम क्रूड ऑयल इंडिया को डिस्काउंटेड प्राइस से बेचेंगे और अगर इंडिया इस समय पर रशिया से ठीक से बात करें ना तो हमें और डिस्काउंट मिल सकता है रशिया से क्योंकि रशिया इस समय पर तेल बेचना चाहता है पूरी दुनिया उसको इकोनॉमिकली आइसोलेट कर रही है केवल दो ऐसी मेजर इकोनॉमीज़ हैं चाइना एंड इंडिया जो कि इस समय पर ओवरऑल इस प्रकार के परचेजेस से रशिया की मदद कर सकती हैं ओके okay. तो ये सब बातें हैं। हालांकि जयशंकर साहब ने पिछले साल महीने ये बात क्लियर कह दी कि हम यूनिलेटरल लेटर को फॉलो नहीं करते रशिया के ऊपर पूरी दुनिया ने सेंशन लगा दिए इसका मतलब तो तो ये नहीं कि हम भी रशिया के ऊपर लगा देंगे ये अलग बात है कि दो में जब ईरान के ऊपर सेंशन लगाए गए थे तो इंडिया ने यूएस की बात मान ली थी ईरान से तेल इंपोर्ट नहीं किया था रशिया के रिस्पेक्ट में कितना बात मानते हैं बात अलग है क्योंकि तो उस समय पे तेल के दाम इतने ज्यादा नहीं है लेकिन अब तेल के दाम ऑलमोस्ट 140 डॉलर पर बैरल छू रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से अगर इंडिया तेल खरीदने पे गया तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम है और इंडिया अपना एट्टी तेल इंपोर्ट करता है हमारी डिमांड ऑफ का एट्टी तेल हमें इंडिया के अंदर इंपोर्ट करना पड़ता है केवल पंद्रह ही हम लेके आ पाते हैं इं अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूस से अभी के लिए देखा जाए तो हम केवल दो परसेंट तेल खरीदते हैं रशिया से लेकिन यह परसेंटेज बढ़ना चाहिए क्योंकि अगर हमें जहां से चीज सस्ती मिल रही है हमें तो भाई सस्ती खरीदनी है ना वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया से नाराज है वेस्टर्न कंट्रीज किस हद तक इंडिया के अगेंस्ट जाएंगे इस पर्टिकुलर स्टेप को लेकर यह देखना बाकी है हालांकि अगर आप देखो तो इंडिया और रशियन मिनिस्टर्स इस समय पे म्यूचुअल बेनिफिशियल कॉपरेशन के ऊपर बात कर रहे हैं इंडिया इंटरेस्टेड है आर्कटिक एलएनजी एनजी टू प्रोजेक्ट में और सखल इन वन प्रोजेक्ट में

और ये कहां पे है प्रोजेक्ट गाइडा पेनसूला इन वेस्टर्न साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया उसमें अच्छा खासा पैसा इंडिया इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करने वाला है तो रशिया के ऊपर सेंक्शन लगेंगे तो इंडिया का पैसा डूब जाएगा सखलिन टू प्रोजेक्ट की बात की जाए तो एक ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट आइलैंड है सखलिन बेसिकली ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है सखलिन आइलैंड रशिया में यहाँ पे पिल्तुन एस्तोखाया ऑयल फील्ड है नेचुरल गैस फील्ड ऑफशोर सखलिन आइलैंड में है तो बेसिकली ऑकॉर्ट सी में जो सखलिन आइलैंड है वहाँ पे एक मेजर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसको मैनेज करता है सखिलिन एनर्जी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और यहाँ पे भी इंडिया बहुत हद तक इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है काफी सारा पैसा शायद इन्वेस्ट कर भी चुका है तो ओवरऑल अगर एनर्जी सैक्शन या फिर कह लीजिए वेस्टर्न सेंक्शन लगते हैं रशिया के ऊपर तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स और बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स इंडिया के कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं और इंडिया उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में बिल्कुल भी है नहीं खासकर इस यूक्रेन रशिया और यूरोप के पचड़े में तो इंडिया पड़ने वाला है नहीं हम अपनी डेवलपमेंट देखेंगे कि इनके पचड़े देखेंगे फिर जो गैस नाम की रशियन मेजोरिटी स्टेट और मल्टीनेशनल नेशनल एनर्जी कॉर्पोरेशन जिसका हेडकोर्टर सेगता सेंटर सेंट पीटर्सबर्ग में ये एक बहुत बड़ी कंपनी है तो इस कंपनी से तेल खरीद के ओवरऑल इंडिया इस कंपनी की फाइनेंशियल वायबिलिटी को बचा सकता है ओके okay. तो कुल मिला के रशिया के साथ एनर्जी लिंक्स रखना इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता दूं अभी भी यूरोप ने उन रशियन बैंक्स के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाए हैं जिसके थ्रू ऑयल के दाम जाते हैं रशिया अभी भी ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोपियन कंट्रीज को और उसके दाम यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से

एक और हाई लेवल मिलिट्री डायलॉग किया है टू द महीनों से चल रहा है दो साल हो चुके हैं इससे पहले चौदह राउंड्स ऑफ कॉप्स कमांडर लेवल टॉक हो चुकी हैं जो पिछली टॉक्स हुई थी वो बारह जनवरी को हुई थी और इनका कोई भी आउटपुट नहीं निकला था पंद्रहवीं टॉक का भी कोई भी आउटपुट निकलेगा नहीं निकलेगा पता नहीं थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी इसलिए है क्योंकि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांगी उन्होंने कुछ दिन पहले ही यह बोला है कि भाई इंडिया और चाइना एक दूसरे के दोस्त रहने चाहिए दुश्मन नहीं रहना चाहिए तो इस स्टेटमेंट के चलते ये उम्मीद है कि शायद कुछ अच्छा हो जाए इस राउंड ऑफ टॉक्स में तो लेट सी बारह जनवरी को जो नहीं हो पाया वो क्या अब हो जाएगा अब जो पंद्रहवीं राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर टॉक शुरू हुई है चुशुल मोलो बॉर्डर पे शुरू हुई है इंडियन साइड ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर यहां पे कुछ पेंडिंग इश्यूज हैं तो हॉट स्प्रिंग का इलाका हो गया डेमचौक का इलाका हो गया खास पर ये जो देपसांग बल्ज है जो देपसांग प्लेन्स है इन पर्टिकुलर इलाके के स्टैंड ऑफ को इंडिया रिजोल्व करने की कोशिश करेगा देखते हैं कितना रिजोल्व हो पाते हैं कितना नहीं रिजोल्व हो पाते हैं इंडियन डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेन गुप्ता जो कि कमांडर है लेह बेस्ड 14 कॉर्प के ठीक है भाई ये जो लद्दाख बॉर्डर स्टैंड ऑफ है इंडियन और चाइनीज मिलिट्री के बीच में इरप्ट हुआ पांच मई 2020 को जब पैंगोंग लेक इलाके में एक झड़प हुई एकदम से कुछ सोल्जर्स थे इंडिया के जब वो वहां पे पहुंचे चारों तरफ सौ दो की तादाद में चाइनीज सोल्जर्स खड़े हुए थे हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए दोनों साइड्स अपनी वेपनरी अब चाइना अपनी वेपनरी सोल्जर्स लेके आ रहा था तो इंडिया को भी लेके जानी थी अभी के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पचास से साठ हजार ट्रुप दोनों आर्मीज के एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े हुए हैं हालांकि जंग होनी थोड़ी मुश्किल ही है चूंकि ना चाइना की औकात है ना इंडिया की, की एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दे पता ही है कि इसके बाद क्या होगा यूक्रेन रशिया वॉर तो कुछ भी नहीं है अगर ये वॉर छुड़ा तो इससे भयंकर शायद ही कोई होने वाला है इस टाइम पे जिस पेपर थ्री सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज में न्यूज आपको काम आएगी नेक्स्ट यूज है मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेटस फॉर कोलंबिया यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस किया है कि वो कोलंबिया को एक मेजर नॉन नेटो एलाई बनाने वाले हैं ही मतलब आगे आने वाले समय में कोलंबिया को एक मेजर नॉन नेटो एलाई बना दिया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो जो लैटिन अमेरिकन नेशन है कोलंबिया इसको डिफेंस के ट्रेड के और सिक्योरिटी कॉपरेशन की फील्ड में काफी मदद मिलेगी वैसे जो अमेरिका और कोलंबिया का रोमांस है वो बहुत पुराना है पैब्लो एस्कोबार कोलंबिया का ही था और कोलंबिया के अंदर रह के पैब्लो एस्कोबार इतना बड़ा ड्रग कार्टल चलाता था कि बहुत अमीर था और जितना भी ड्रग्स ओवरऑल कोलंबिया के अंदर पैदा किया जाता था वो अमेरिकन मार्केट्स में बेचा जाता था और यूएस सरकार ने एक प्रॉपर ऑपरेशन चलाया था पैब्लो एस्कोबार को मारने के लिए काली काटल ठीक है ना मेदलिन काटल पैब्लो अस्कोबार मेदिलन काटल का था उसके बाद काली काटल आए थे पूरी की, पूरी की पूरी कहानी एक नारकोस करके सीरीज है नेटफ्लिक्स पे दो सीरीज है अलग अलग एक नारकोस मेक्सिको है एक नॉर्मल नारकोस दोनों में बता रखी है ओके okay, थोड़ी वायलेंट वेब सीरीज है है ठीक ना व्यूअर डिस्क्रिप्शन एडवाइस अगर आप देख रहे हो उसको तो तो मेजर नॉन नेटल अलाई एक ऐसा होता है जो कि नाटो सीधे, सीधे एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में है, तो बात है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जिन कंट्रीज के साथ सीधे -सीधे, उनको तो मदद करेगा लेकिन वो कंट्रीज कि नाटो के मेंबर नहीं है लेकिन तब भी डिफेंस की फील्ड में उनको तगड़ी मदद मिलती है यूएस की तरफ से इसको बोला जाता है मेजर नॉन नेटो नेटोलाई तो नाटो के अलावा जिन कंट्रीज के साथ यूएस के स्ट्रेटेजिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग उनको मेजर नॉन नेटो अलाई बोला जाता है और उनको यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी की तरफ से काफी मदद प्रोवाइड की जाती है तो जो मेजर नॉन नेटो अलाई की डेजिग्नेशन वाली कंट्रीज है उसमें म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट आप कह लो यूएस के साथ हो जाता है काफी सारी मदद मिल सकती है यूएस की आर्म फोर्सेस की तरफ से ये जो मेजर नॉन नेटो अलाइड डेजिग्नेशन है ये 1987 में बनाया गया था थ्रू द एडिशन ऑफ सेक्शन 2350 ए टू द टाइटल 10 आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूएस कोड ऑस्ट्रेलिया इजिप्ट इसराइल जापान साउथ कोरिया ये पहले पांच ऐसे स्टेट्स हैं जिनको मेजर नॉन नेटो अलाई का स्टेटस बिना था इनको भाई एडिशनल मिलिट्री और फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिले थे 1996 में जब सेक्शन 2321 के जोड़ा गया टाइटल 22 फॉरेन रिलेशंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कोड जो आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के एग्जेम्पन्स नाटो मेंबर को मिलते हैं बहुत हद तक ये एग्जेम्पन आपके नॉन नेटो मेजर अलाई को भी मिलते हैं तो जिसके पास भी नॉन नेटो मेजर अलाई का स्टेटस है यूएस के साथ उसको यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ कोऑपरेटिव रिसर्च का मौका मिलेगा काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज साथ में होंगी मिलिट्री सरप्लस डिलीवरी की जाएगी लोन्स ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स फॉर डेवलपमेंटल टू यूज यूएस फाइनेंसिंग टू परचेज सर्टेन डिफेंस इक्विपमेंट्स स्पीडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी मतलब एक बहुत बड़ा पुश उसकी आर्म फोर्स को मिलेगा यूएस की तरफ से जीएस पेपर टू तो, इंटरनेशनल में न्यूज काम आएगी नेक्स्ट न्यूज है की डायलॉग ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने यहां पे मीडियट की है टॉक्स किसके किस बीच में रशिया और, तो और, और यूक्रेन के बीच में तो न्यूक्लियर सिक्योरिटी को लेकर रशिया और यूक्रेन के बीच में टॉक्स मीडिएट की है आई ए ने ठीक है दोनों कंट्रीज रशिया और यूक्रेन के फॉरन मिनिस्टर्स टर्की में मिले और आई के डायरेक्टर जनरल के प्रेजेंस में पे यूक्रेन की की में पंद्रह न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जिसमें से आठ अभी भी वर्किंग है कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स रशिया के कंट्रोल में आ चुके हैं यूक्रेन का इनफैक्ट यूरोप का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है वो रशिया के कंट्रोल में आ चुका है उस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए चर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट फंक्शनिंग नहीं था इसको कूल cool डाउन किया जा रहा था और कूल cool डाउन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इसको ट्रांसफर की जा रही थी लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का कनेक्शन इस इलेक्ट्रिसक्शन न्यूक्लियर पावर प्लांट को टूट गया है वो अलग बात है कि अभी के के लिए डीजल थ्रू इसको कूल cool डाउन किया जा रहा तो बेसिकली यहां पे आई ए मिलकर रशिया और यूक्रेन के साथ बातचीत करके जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर है यूक्रेन के अंदर उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को एश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं चूंकि अगर किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर से लीकेज हो जाती है किसी बॉम्ब अटैक में शेलिंग में तो ऐसी रेडिएशन निकलेगी कि आसपास की सारी आबादी बर्बाद हो जाएगी इसलिए इस प्रकार की बातचीत जरूरी है और रशिया यूक्रेन दोनों ही इन्वॉल्व हो रहे हैं चूंकि उनको भी पता है कि उनके जितने भी सोल्जर्स आसपास होंगे इस पर्टिकुलर पावर प्लांट के अगर रेडिएशन लीक हुआ तो गए सारे के सारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात की जाए तो एक इंटरनेशनल ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है में इसको बनाया गया था थ्रू आई एस टेट्यूट आई एडन जनरल असेंबली को भी रिपोर्ट करता है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल को भी रिपोर्ट करता है है वियना ऑस्ट्रिया में इसके न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग मिलिट्री पर्पस के लिए ना हो यह टारगेट है आपका आई का पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को यह प्रमोट करता है इंटरनेशनल सेफ प्रोवाइड करता है अगेंस्ट मिस यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर मटीरियल इन द वेक ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर

मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल बिजनेस एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड गवर्नमेंट ऑफ कनेडा ये दोनों यहां पे मिले इनके बाद इन्होंने बैठ के बोला कि भैया हम फिर से निगोसिएशन शुरू कर रहे हैं सेपा के मतलब इंडिया कैनेडा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के निगोसिएशन शुरू हो रहे हैं और जो इंटरिम एग्रीमेंट या अर्ली प्रोसेस ट्रेड एग्रीमेंट था इसको यहां पे सेटअप करके कॉमर्शियल गेम जल्दी से जल्दी कनाडा इंडिया दोनों के पास पहुंचाए जाए इसकी यहां पे कोशिश की जाएगी तो बायिटल ट्रेड इन गुड्स बढ़े बायोलेटल ट्रेडिंग सर्विसेज बढ़े अलग अलग सेक्टर्स में जो पोटेंशियल है दोनों कंट्रीज के बायोलेटल इंगेजमेंट का वो बढ़े ये सब चीजें यहाँ पे करने की बात की जा रही है जो भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है जैसे कि सैनिटरी और साइड टू मेजर्स हो गए आपके टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड हो गए डिस्प्यूट सेटलमेंट का प्रोसेस है इसको म्यूचुअली मिलकर जल्दी से जल्दी, जल्दी रिजॉल्व किया जा सके ये इंडिया और कनाडा दोनों के ऑफिशियल्स का यहाँ पे टारगेट रहेगा फिर भाई इंडियन एग्रीकल्चर गुड्स जैसे स्वीट कॉर्न बेबी कॉर्न बनाना ये सब कैनेडा के मार्केट में मिल सके इसको जल्दी इंश्योर करना है इसको इंश्योर करने के लिए क्या करना है तो जो कैनेडा के अंदर जो सिस्टम है पेस्ट रिस्क मैनेजमेंट इन पल्सेस को लेके बेसिकली कैनेडा अपने फूड प्रोडक्ट्स में जिस लेवल की हायर क्वालिटीज को कोज्यूम करके चलता है पल्सेस में पेस्ट रिस्क मैनेजमेंट की बात हो इन सब चीज़ों को इमीडिएट बेसिस पे रिजोल्व किया जा सके इंडिया की तरफ से ताकि इंडिया का स्वीट कॉर्न बेबी कॉर्न बनाना पल्स ये कैनेडियन मार्केट में बिक सके ये बहुत जरूरी है इसके लिए कनाडा ने बोला है कि भाई हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इंडिया की जो बॉडी है अपेडा एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको हम वेरिफिकेशन बॉडी का स्टेटस दे दें अब समझिए ये क्या चीज है अगर कनाडा की सरकार अपेडा को कन्फर्मिटी वेरिफिकेशन बॉडी का स्टेटस देती है तो कल की डेट में किसी भी कंपनी को कनाडा के मार्केट में अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो वो कंपनी किसके पास जाएगी अपेडा के पास और अपेडा से ये सर्टिफिकेट लेगी और अपेडा सर्टिफिकेट दे देता है उस कंपनी को मतलब वो कंपनी फिर फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकती है कैनेडियन मार्केट में ये कुछ कुछ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हो गया जैसे मान लो इंडिया के अंदर आपको पाइप इंपोर्ट करनी है तो इंडिया का नियम है कि भाई स्टेनलेस स्टील की पाइप में आपको एक एकज्जाम्पल बता रहा हूं इसको इससे करने ही लेकिन सीधे सीधे रिलेटेड नहीं है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का नाम सुना है अब इंडिया के अंदर अगर कोई इंपोर्टर स्टेनलेस स्टील की ट्यूब की पाइप इंपोर्ट कर रहा है तो उसको बी चाहिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेट चाहिए ठीक है अब ये बी मिलेगा किसी फॉरेन कंपनी को और उस फॉरेन कंपनी को बी देने के लिए हमारे जो ब्यूरो ऑफ इंडियन सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं वो फॉरेन जाएंगे उसकी इंडस्ट्री का इंस्पेक्शन वगैरह करेंगे और उसके बेसिस पे बी देंगे उसी प्रकार से ये जो कनाडा है वो कनाडा अपेडा को अथॉरिटी देगा कि अपेडा इंडिया के अंदर अलग अलग कंपनीज को ये लाइसेंस दे सकती है कि वो कनाडा में फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते फिर क्रिटिकल सेक्टर्स में रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनाना फार्मास्यूटिकल क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल सेक्टर में एक दूसरे के साथ एंगेज करना टूरिज्म अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रिन्यूएबल एनर्जी माइनिंग में एंगेज करना पीपल टू पीपल टाइस को मेंटेन करना प्रोफेशनल स्किल्ड वर्क स्टूडेंट्स बिजनेस ट्रेवलर्स एक दूसरे की कंट्री में अर्जेंट बेसिस पे जा सकें ज्यादा रोक टोक ना हो इस बात को इंश्योर करना इंडिया कैनेडा के लिए एक प्रायोरिटी मार्केट है कैनेडा का एलेवेंथ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट इंडिया है ट्वेल्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है तो भाई हमारी प्रायोरिटीज ये हैं इनफैक्ट इंडिया कनाडा दोनों की प्रायोरिटीज ये है कि पॉलिसी लेवल पे हम दोनों एक दूसरे के साथ इंगेज करें और कनाडा इंडिया की किस तरीके से मदद कर सकता है तो भैया इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी एम्बिशन में कनाडा हमारी मदद कर सकता है कन्वेंशनल और न्यूक्लियर एनर्जी के रिस्पेक्ट में कनाडा हमारी मदद कर सकता है रेन्यबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में कनाडा हमारी मदद कर सकता है अर्बन और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में मदद कर सकता है इनहैस्ड और एजुकेशनल स्किल्स प्रोवाइड करने में मदद कर सकता है तो भाई कैनेडियन स्टूडेंट्स आके इंडियन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स जाके कैनेडियन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं प्लस अभी ये जो कनाडा में कुछ यूनिवर्सिटीज डिफेंट हो गई इसके चलते इंडियन स्टूडेंट्स का फ्यूचर लटक गया है यहाँ पे भी मदद आनी चाहिए भारत सरकार और कनाडा सरकार दोनों की तरफ से कॉमर्शियल रिसर्च और डेवलपमेंट बढ़ाई जाए ताकि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनोवेशन लाया जा सके फूड प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर्स का जो एक्सपोर्ट है वो कनाडा से बढ़े इंडिया के अंदर ताकि कनाडा की फूड सिक्योरिटी मेंटेन हो फिर कनाडा इंडिया मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर तो बात ही कर रहे हैं प्लस एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट फीपा के ऊपर भी बातचीत कर रहे हैं तो बड़े लेवल पे कनाडा इंडिया केग्रीकल्चर सिविलेशन एनर्जी रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन एजुकेशन इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए तो कनाडा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और स्कूल्स में पढ़ने वाला जो सबसे बड़ा लॉट है इंटरनेशनल लॉट स्टूडेंट्स का वो इंडिया का है एज ऑफ टू थाउजेंड नाइनटीन जिस पेपर टू बायलेटरल एग्रीमेंट्स इन्वॉलिंग इंडिया इंटरेस्ट में न्यूज़ so, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा जल्दी आपको एडिटोरियल भी मिल जाएगा गुड बाय